एक्चुअली आज हमने दो किस्म एप्लीकेशन दो हिस्से में है. एक तो हमने पॉइंट आउट किया है कोर्ट को कि काफ़ी क्रिटिकल डॉक्यूमेंट्स SIT के सबमिट किए हुए रिकॉर्ड में नहीं है. उसमें से सबसे महत्व का ये है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट बाय मिस्टर AK मल्होत्रा 12 मई 2010 का, जिसके ऊपर डॉक्टर RK राघवन के कमेंट्स और एनालिसिस थे, वो इन्होंने ये कोर्ट के सामने नहीं रजू किए हैं. हमारा मानना है वो सीरियस बात है. साथ साथ फर्दर इन्वेस्टिगेशन के जो भी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जरिए हुए हैं वो भी रिपोर्ट सबमिट नहीं हुए हैं. अशोक नारायण और गोर्धन जरफिया के दो स्टेटमेंट्स असेंबली में गोधरा इंसिडेंट को लेकर, वो रजू नहीं हुए हैं. काफ़ी और भी चीज़ें हैं, फायर ब्रिगेड के रजिस्टर्स नहीं हैं, गुजरात होम मिनिस्ट्री के नोटिंग्स ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ पुलिस ऑफिसर्स वो भी नहीं हैं, गुजरात लॉ मिनिस्ट्री के नोटिंग्स ऑन पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटमेंट नहीं है, और राहुल शर्मा जी की CD जो उन्होंने फ़ोन कॉल की CD वो भी हमें मिली तो नहीं है रिकॉर्ड में. तो हमने पॉइंट आउट ये किया कि ये सब डॉक्यूमेंट भी हमें मिले ताकि हमारे प्रोटेस्ट पिटिशन तैयार करने में हमें आसानी हो. इसका हियरिंग टेंटेटिवली 19 मई को रखा है, सब्जेक्ट टू द न्यू जज टेकिंग ओवर. प्रोटेस्ट पिटिशन हमारा जुलाई एंड में आर्ग्यू होगा यही कोर्ट में. थैंक यू.